हेलो मॉम, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉम, आप सभी को प्यार प्यार नमस्कार, जय श्री कृष्णा। माय डियर मॉम, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम प्रेगनेंसी के बाद जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे पीठ में दर्द, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं कि अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं की, उनको अवॉइड किया या नज़रअंदाज किया, तो वो प्रॉब्लम आपके आगे के फ्यूचर के लिए आपके साथ वो स्टिक हो जाएगी और आप चाहकर भी अपने कमर दर्द और पीठ दर्द को ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं छोटी थी और बहुत टाइम से जब भी ऐसा मैंने अपने आसपास प्रेगनेंसी के केस देखे या डिलीवरी जब उनको हो जाती थी, तो मैं क्या देखती थी कि जब जो डिलीवरी के बाद जो लेडी होती थी उनके नीचे जो भी चारपाई है, या कुछ टाइम के लिए उनको चारपाई पर फिक्स कर दिया जाता था और उनके नीचे थोड़ी सी आग जलाकर रख दिया जाता था ताकि उनकी पूरी जो बैक है उसको सेक मिलता रहे और कमर दर्द या पीठ दर्द उनको ना हो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, बहुत छोटे टाइम में और जब मैं बड़ी हो गई तब भी काफ़ी टाइम तक मैंने ये चीज़ देखी, लेकिन अब नहीं देखने को मिलती क्योंकि सबके डबल बेड आ गए हैं, सब लोग डबल बेड प्रीफर करते हैं। कोई भी इस तरीके की चीज़ मैंने अब होती नहीं देखी, काफ़ी टाइम से नहीं देखी, लेकिन काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ें मैंने देखी हैं जब मैं बहुत छोटी थी। ठीक है, अपनी फैमिली में मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। ऐसा क्यों करते थे? ताकि आगे फ्यूचर में जो माँ हैं उन्होंने जिनके डिलीवरी हुई है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और काफ़ी जगह जगह हमारे पेन होते रहते हैं, दर्द होते हैं, जिसमें स्पेशली हमारे कमर दर्द, पीठ दर्द काफ़ी रहता है। तो इसके लिए जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, कमर में नीचे खाट के नीचे सिकाई करने के लिए, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, कुछ टाइम के लिए आपको सेक देती थी नीचे आग जलाकर, हल्की हल्की मंदी मंदी, जैसे अंगीठी में आग जलती है ना, मंदी मंदी आग का सेक हमारी कमर को दिया जाता था। लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं रही हैं और हमें एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज़ हमारे घर में इस तरीके के लोग नहीं हैं, तो हम इस नॉलेज से हमें ये नॉलेज नहीं मिल पाती है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? तो आपको बेहद कुछ बातें ज़रूरी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इन सब चीज़ों को करके अपने कमर दर्द और पीठ के दर्द को बिल्कुल ओके कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगी, ठीक है, प्रॉपर आप प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, यानी रिच न्यूट्रिशन आपको लेना है, खाने पीने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देनी है। डिलीवरी के बाद जितना हो सकता है, एक टाइम नहीं, मैं आपको दो टाइम नहीं तीन टाइम दूध पीने के लिए बोलूँगी, कि जितना हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, बटर, ये दूध आराम से लें, ताकि जो भी हमारी मसल्स हैं या हमारे अंदर जो भी वीकनेस है वो जल्दी से फुलफिल हो, हम अंदर से रिकवर करें। ठीक है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है, जितना अच्छा हो सकता है जब भी आपको टाइम मिले आप प्रॉपर नींद लें, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ हम सो नहीं पाते हैं। अगर आप नींद नहीं लोगे तो इरिटेट होते रहोगे और आपका जो बच्चा है वो आपको सोने नहीं देगा, आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, आप उसे खिलाओगे तो आप आराम नहीं कर पाओगे, वो भी आपकी कमर में और पीठ में दर्द करेगा। तो इसके लिए आप किसी अदर फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आप अपने बेबी को उनको हैंडल करने के लिए दीजिए और आप प्रॉपर नींद लीजिए। अगर आप अकेली रह रही हैं, घर में कोई ऐसा नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए, महीने भर के लिए एक मेड रख लीजिए जो कि आपके बच्चे को हैंडल कर सके। दिन में आप संभालिए, लेकिन रात में आप संभालेंगी क्योंकि कोई होगा नहीं, लेकिन दिन में वो अगर संभाल लेगी तो आप दिन में आराम कर पाएंगी और टाइम बचाकर रात में भी आप आराम करने की कोशिश करें। उसके लिए आप अपने बच्चे का पेट फिल करके रखें, उसे अच्छे से मसाज दे दें ताकि वो सोता रहे और आप प्रॉपर नींद लें, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद नहीं लोगी, इरीटेट होती रहोगी, आपको नींद नहीं आएगी, थकावट रहेगी और ये दर्द आपका बना रहेगा। ठीक है, तो ये काम करें। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको जो इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड आते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड जो आप नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उससे आपको कम से कम महीने भर तक और जितना हो सकता है प्लस कर लीजिए, आपको अपनी सिकाई करनी है। अगर आपके नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो पेट पर भी हल्की 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 सिकाई करें, लेकिन उस इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड को आप कमर के नीचे रख लें,
कमर के नीचे आप घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे जितना टाइम आप सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिल जाए उस इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड को आप अपने नीचे कमर के नीचे रख लें, ठीक है। तो उससे जो सेक मिलता रहेगा आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप अपने यहाँ हिप्स के नीचे रख सकते हैं, कमर के नीचे रख सकते हैं, बैक बोन के नीचे सेंटर में उसको रख लें और आराम से उस पर थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, जिससे वो हीटिंग पैड से आपको गर्माहट मिलेगी और आपके जो पेन है उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि अक्सर लेडी नहीं जानती हैं, कि प्रेगनेंसी के वो डिलीवरी के बाद माँ की मसाज होना बेहद ज़रूरी है। तो आप कम से कम 15-20 दिन या महीने भर अपनी मसाज जरूर करवाएं अपने घुटनों की। कभी कभी डिलीवरी के बाद घुटनों में इतना दर्द स्टार्ट हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया। तो ये होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, या तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हैं या फिर आपने मसाज नहीं करवाई है, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। तो आप अपने नीज, थाई, अपने कंधे और अपनी कमर की, स्पेशली कमर की मैं बोलूँगी, अच्छे से मसाज करवाएं, ठीक है। अगर सिजेरियन हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आप कमर की मसाज अपने पेट को ध्यान रखते हुए, स्टिचेस को ध्यान रखते हुए अपनी कमर की मसाज जरूर करवाइए, बेहद ज़रूरी है। इससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करेगी, बहुत आपको आराम मिलेगा और मसाज के बाद भी आप सिकाई करें अपने शरीर की, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है अपने प्रेग्नेंट लेडी के लिए इस टाइम में। फिर जब आप बाथ ले रहे हो, नहाने के लिए जा रहे हो, तो हल्के गुनगुने पानी को अपने घुटनों पर डालते रहिए, अपने कंधों पर डालिए गुनगुने पानी को। कम से कम आधे घंटे तक आप अगर ये कर सकते हो बाथरूम में, अगर सर्दियां हैं तो फिर आपको जल्दी आना पड़ेगा, लेकिन अपने घुटनों पर गर्म गर्म पानी डालें, अपने कंधों पर गर्म गर्म पानी डालें, पीठ पर गर्म गर्म पानी डालें, मीन्स आपको गर्म पानी गुनगुने पानी से ही नहाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे भी आपकी बॉडी में राहत मिलेगी, कोई दर्द नहीं होगा और कुछ ही दिनों बाद, चाहे आपका सिजेरियन हुआ है चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया। आप बिल्कुल हिट एंड फिट अपने आप को फील करोगे, ठीक है। इसके साथ आप कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए। देखिए, जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें कैल्शियम, आयरन और ये सारी मेडिसिन हमें कुछ टाइम के लिए देती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए, हमारी जो जितनी भी हमें वीकनेस हो जाती है, तो ये ज़रूरी होता है। क्योंकि तो बच्चा भी हमारे, हम जो दूध बनेगा वो बच्चा पिएगा, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लोगे तो आप वीक हो जाओगे, आपका बच्चा भी वीक रहेगा। तो जो जितना भी हो सकता है कैल्शियम सप्लीमेंट की टैबलेट्स डॉक्टर दें वो आप ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ जिससे आपको कैल्शियम मिले वो आप दूध है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, शलजम है, ब्रोकोली है, सिंघाड़ा है, ये सब चीज़ें आप खाने में इंक्लूड करो, जिससे कि आपकी जो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। वो आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होने देंगी, तो ये आप ध्यान रखें। साथ आप हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका बॉडी फिट रहे और जो हमारी जो एकदम डिलीवरी के बाद हमारा शरीर एकदम शिथिल लूज हो जाता है वो एकदम फिट हो जाए। तो एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है हमारे जो ऑर्गन्स को फिट रखने के लिए, इंटरनल और बाहर की जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने डॉक्टर से पूछें या आप ऑनलाइन देख सकते हो कितने सारे एक्सरसाइज होती हैं। वो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर लें, हल्की फुल्की करनी है। प्रॉपर वॉक करें, हल्का फुल्का वॉक भी बेहद ज़रूरी है। जूस पिएं, ठीक है, जूस और पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा जूस और पानी कम पीजिए, लेकिन बाद में इन सब चीज़ों को बढ़ा दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा पानी पीना और जूस लेना वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। जूस की जगह फ्रूट्स खा लें, ठीक है। फ्रूट्स में फाइबर भी आपको मिल जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पानी जब भी पिए हमेशा गुनगुना पानी पिए, कम से कम महीने 3-4 महीने आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है, चाहे गर्मी भले ही क्यों ना हो, लेकिन ठंडा पानी बहुत नुकसान करता है एक प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो वार्म वाटर जरूर पिए, ठंडा पानी ना पिए, और जूसेस की जगह आप जितना हो सकता है फ्रूट्स खाएं, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्दी रहे। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट ना हो जाएं। अगर आपका वज़न बहुत बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज करें, क्योंकि ज़्यादा ओवरवेट होने की वजह से भी हमारे कमर में दर्द होता है, ठीक है, या बैक पेन होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप हेल्दी बने रहोगे और बहुत जल्दी ही अपने आप को रिकवर कर लोगे। जो भी आपकी डिलीवरी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, वीकनेस
प्रेग्नेंस आई है या पेट बहुत बढ़ गया है, कमर में दर्द है या पीठ में दर्द है, तो इन सब से आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को आफ्टर डिलीवरी फिट कर सकती हैं। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ समझा पाई हो। उम्मीद करती हूँ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे और अच्छा लगेगा और मुझे आपकी और मुझसे एक टचिंग बनी रहेगी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए एंजॉय योर प्रेगनेंसी, टेक केयर। Bye-bye.